आपकी नजरों ने समझा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि बाबा श्याम को आपने अपने घर में विराजमान कर रखा है, बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है और आपको कहीं अचानक बाहर जाना पड़े और आपके घर में कोई भी ना हो तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, भगवान की देखभाल कैसे करेंगे, भगवान आपके घर में है तो भगवान को अकेला छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जाए तो अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो श्याम प्रेमी पूछते रहते हैं और हर एक श्याम प्रेमी देखिए अलग अलग तरीके से पूछते हैं इन्हीं सवालों को। तो मेरा मन किया कि आज आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के बता दूं कि बाबा श्याम को अगर आप विराजमान कर चुके हैं अपने घर में और आपको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़े और आपके घर में कोई भी ना हो तो भगवान की सेवा आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आज ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लग रही है तो कृपया बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाबा श्याम की बातें करता हूँ, बाबा श्याम की बातें बताता हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए आपको बातें बताता हूँ बाबा श्याम की। तो देखिए, जब आप बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करते हैं तो हर रोज आप पूजा पाठ करते होंगे, हर रोज बाबा श्याम की चालीसा तो पढ़ते ही होंगे, बाबा श्याम के समक्ष दीपक भी जलाते होंगे, बाबा श्याम को भोग भी लगाते होंगे। अब आप सोचिए कि अगर आप अचानक से कहीं आपको बाहर जाना पड़े और आपके घर में कोई भी सदस्य नहीं है तो क्या बाबा श्याम को आप लेकर जाएंगे अपने साथ? जी नहीं, बाबा श्याम को जो अपने जहां विराजमान किया हुआ है बाबा श्याम वहीं पर रहेंगे। परंतु आपको बाबा श्याम से क्या कहना है, जब आप बाहर जाते हो या दो चार दिन दस दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो भगवान जो आपके घर में रहेंगे उनसे आपको क्या कहना है और उनकी सेवा कैसे करनी है, वो चीजों के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो भगवान आपके घर में विराजमान है, आप हर रोज बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो बाबा श्याम को आप देखिए, उन्हें भी बाबा श्याम को भी भूख लगती है, बाबा श्याम को भी भोग लगता है। अगर आप बाहर चले गए तो चार पांच दिन के लिए सोचिए बाबा श्याम घर में अकेले रहेंगे और आपके घर की देखभाल करेंगे, मतलब उनकी नजर आपके पूरे घर पर रहेगी। परंतु बाबा श्याम को जब भोग मतलब भूख लगेगी फिर कौन आएगा उनको खाना देने के लिए, उनकी आपके घर में तो ताला लगा होगा और आपके घर में कोई होगा नहीं बाबा श्याम के अलावा, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तो आपको करना क्या है, आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि पंचमेवा का भोग बाबा श्याम को अत्यधिक पसंद है और पंचमेवा का भोग ऐसा है अगर एक बार अपने घर में बनाकर रख लेते हो तो वो काफी लंबे समय तक पंचमेवा का भोग चलता है। तो आप चाहे तो पंचमेवा का भोग बनाकर अपने घर में रख सकते हैं और उस भोग को बनाकर आप ऐसे पात्र में रखिए, ऐसे बर्तन में रखिए, जब आप कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो बाबा श्याम को उसी प्रकार से बताइए जिस प्रकार से आप अपने घर में किसी अकेले बच्चों को छोड़कर जाते हैं, उसे समझा कर जाते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, ठीक है, तुम्हारे लिए ये खाना मैंने बना दिया है और इस खाने को खा लेना, अगर कुछ अच्छा ना लगे तो बता देना, फोन करते रहना, बाहर से ऑर्डर कर देना। तो इस तरह से आप जिस प्रकार से आप अपने घर में अपने बच्चों को समझा के चले जाते हैं बाहर, उसी प्रकार से बाबा श्याम को बोल कर जाना है आपको कि हे बाबा श्याम, मैं किसी जरूरी काम से इस जगह में जा रहा हूँ, कृपया करके आप अपना इस भोग को ग्रहण कर लेना। तो आप भोग में आप क्या क्या बना सकते हो, जैसे कि पंचमेवा जो होता है वो करीब करीब काफी समय लंबे समय तक चल सकता है, तो बाबा श्याम के समक्ष एक पात्र में डालकर बाबा श्याम को दिखाकर बोलिएगा बाबा श्याम आपके लिए पंचमेवा है, जब भी आपको भूख लगे आप इसको जरूर ग्रहण करना, इस भोग को जरूर ग्रहण करना। और ध्यान रखिए, उस पंचमेवा भोग को आपको खुला छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपके एब्सेंस में हो सकता है आपके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा उस प्रसाद के अंदर चला जाए, तो उससे अच्छा है प्रसाद को बंद करके जाइए, भगवान को बताकर जाइए कि आप भगवान के लिए प्रसाद बनाकर गए हैं। इसके साथ साथ आप और क्या बना सकते हैं बाबा श्याम के लिए, तो कुछ ऐसा प्रसाद बनाइए जो कि आपके आने तक वो प्रसाद वैसे ही ताजा रहे और लंबे समय तक चल सके। तो इस तरह का प्रसाद आपको बनाकर अपने घर में रख देना है ताकि भगवान की विशेष कृपा आपको मिल सके।
तो पंचमेवा के भोग के साथ आपको किस तरह का पकवान बना सकते हैं, जिस तरह से पकवान वगैरह आती है वो काफी लंबे समय तक चल जाती है, मीठी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, इस तरह का भोग भगवान के समक्ष बनाकर आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं। हो सकता है कि आप मिश्री वगैरह का भोग लगाते हो तो मिश्री भी आप अपने घर में रख सकते हैं और भगवान के समक्ष उस मिश्री या प्रसाद को रखकर बाहर जा सकते हैं। जब भी बाहर जाए भगवान को बता कर जाए, भगवान को कह कर जाए। देखिए मूर्तियों को अपने साथ लेकर हर जगह चलना, अपने हाथ में पकड़कर घूमना ये सही नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो होते हैं एक बार जहाँ विराजमान होते हैं उनकी वहीं पर पूजा होती है, अर्चन होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने साथ भगवान की मूर्ति को लेकर अपनी गोदी में लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और उनकी भक्ति करते रहते हैं। देखिए घूमना सही नहीं है, परंतु भगवान है, भगवान की मूर्ति जो होती है वो मंदिरों में और अपने घर में अपने दिलों में बहुत अच्छी लगती है, वहां पर रखे उनकी पूजा भाव हम कर सकते हैं। क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे हाथ गंदे होते हैं, तो जब हम कहीं जा रहे हैं हमारे साथ कोई भी नहीं है और हम मूर्ति को हाथ में पकड़े हमें भोजन करना है तो हम मूर्ति को इधर उधर रख देते हैं, इससे मूर्ति की अनादर होती है। तो ये ध्यान रखें जब भी आप बाहर जा रहे हो, जैसे कहीं भी जा रहे हो, तो बाबाश्याम की जो मूर्ति होती है वो घर में ही विराजमान रखे। अगर आपको बाबाश्याम को दर्शन करने ही करने हैं तो कोई छोटी सी जो फ्रेम की हुई फोटो आती है वो अब बाबाश्याम की अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और आजकल के टाइम में तो मोबाइल फोन जो होता है मोबाइल फोन में ही बहुत से लोग वॉलपेपर लगा देते हैं बाबाश्याम की और बाबाश्याम की दर्शन करते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितने सारे पोस्ट आते रहते हैं, आप किसी भी पोस्ट से बाबाश्याम के दर्शन कर सकते हो और बाबाश्याम की अर्जी लगा सकते हो। तो ये मैं आपको वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे श्याम प्रेमी अपने भगवान को विराजमान घर में कर और इसी तरह से जब मन में आता है तब पूजा करते हैं, जब मन में आता है घर में ताला लगा कर चले जाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि बाबाश्याम हमारे घर में विराजमान है। उनकी सेवा भाव जो आपने कंटिन्यूसली की है, अब 10 दिन से आप बाहर घूमने चले गए, शिमला मनाली चले गए, भगवान आपके यहाँ पर बैठे हैं, ना भगवान नहलाए हैं, ना भगवान ने कुछ भोग लगाया है और भगवान ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं, तो देखिए भगवान की विशेष कृपा कहाँ से मिलेगी। ऐसा कुछ करके जाइए कि भगवान भी को भी लगे कि मेरा भक्त कहीं चला गया है और मैं अकेला हूं इस घर में, तो अब मेरी सेवा कौन करेगा। तो भगवान की पूजा इस तरह से करिए कि भगवान भी आपके बारे में सोचे कि मेरा भक्त परेशान है या मेरा भक्त मेरी इतनी भक्ति करता था, इतनी सेवा करता था, आज नहीं है तो उसकी कमी भगवान को खल रही है। तो ये चीजों को ध्यान में रखिए, भगवान की सेवा कोई मामूली बात नहीं है, हर कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता, भगवान की सेवा अपरंपार है। अगर आप भगवान के दास बनना चाहते हो, भगवान की अत्यधिक सेवा करना चाहते हो, तो इस प्रकार से भगवान को अपने घर में बता कर जाए कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो और कब तक लौट कर आओगे और बाबाश्याम के लिए आपने क्या भोग बना के उनके समक्ष रखा है और वो भोग कैसे खाएंगे, ये सारी बातें आप भगवान को बता के जाओगे और अपने घर में इस प्रकार से लॉक लगा के जाओगे और भगवान को नमस्कार करके जाओगे, प्रणाम करके जाओगे, तो भगवान की असीम कृपा के आप पात्र बन सकते हैं। ध्यान में रखें कि अपने साथ भगवान की मूर्तियों वगैरह को लेकर नहीं जाना चाहिए, जहां मंदिर में स्थापित है वहीं पर मंदिर में रहकर भगवान को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर आप जो भी काम के लिए निकले हैं उस काम में सफलता के लिए उनसे अरदास लगाकर आप अपने घर से बाहर निकले और उनका भोग वहीं पर अर्पण करके उनके कह दीजिए कि आपका लाडला 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, आप अपना ध्यान रखिएगा बाबाश्याम, जब तक मैं ना हूं तब तक आप इस भोग को अर्पण कर लीजिएगा। इतना से करके देखिए तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आपके कोई भी कमेंट है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप बताइए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, भजन मंत्र शक्ति से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए नए वीडियोस हमारे जैसे आते हैं तो एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय।